नमस्कार, भव्याश्री न्यूज समय नुपुर। मध्य प्रदेश में फिर खिला कमल और चौथी बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। सोमवार रात 9 बजे राज्यपाल लालजी टंडन ने शिवराज सिंह को शपथ दिलवाई। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अभी किसी अन्य मंत्रियों ने शपथ नहीं ली है। एमपी के 32वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य में पूरी तैयारी की जा रही है और बहुत जल्द हम सभी मिलकर अपना जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी माँ है और मैं माँ के दूध की लाज रखूंगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। हम मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए सदैव साथ मिलकर काम करेंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने और चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने पर श्री शिवराज सिंह चौहान जी को हार्दिक बधाई। प्रदेश के विकास, प्रगति और उन्नति में सदैव आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। ज्ञात हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में कांग्रेस को अपना इस्तीफा देने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया है। धीरे धीरे बीजेपी अपना खोया हुआ जगह पुनः बनाने में लग गई है। एक के बाद एक जैसे खोया था वैसे ही पाने के लिए कदम बढ़ाया है। देखना है आने वाले कल में ऊंट किस करवट बैठती है। धन्यवाद।